थेटिकल uh, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया की स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आप किस तरीके से इनको ध्यान में रख सकते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला इमिटर प्लेट है ना फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट है, होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं मतलब इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द इमिटर प्लेट लेकिन कब होंगे कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये सब कुछ होगा क्या है कंडीशन

इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स टू मूव और टू एमिट और टू इजेक्ट फ्रॉम द एमिटर प्लेट एमिटर प्लेट से बाहर निक, निकलने के लिए उनको लगने वाली वो मिनिमम एनर्जी मतलब ही वर्क फंक्शन होता है ठीक है

मतलब नैनो सेकंड में वो ये प्रोसेस होगी तो दिस इज वेरी इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी रहेगा मतलब ही क्या? उसके साथ साथ. And, अगर इंसिडेंट रेडिएशन ही नहीं है तो करंट फ्लो होगा क्या नहीं होगा क्यों क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन नहीं है मतलब फोटॉन्स नहीं है फोटॉन्स नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो

वो है एसेलरेटिंग पोटेंशियल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉ ये एसिलरेटिंग पोटेंशियल रहेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से एमिट होके कलेक्टर तक के पहुंचेंगे रीच टूअर्ड्स द कलेक्टर और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक के पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेक्स्ट पॉइंट इंसिडेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स यही वाला पॉइंट है अधूरा, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट मतलब इंटेंसिटी मतलब, बढ़ गई सैचुरेशन करंट बढ़ा इंटेंसिटी बढ़ गई सैचुरेशन करंट बढ़ा अब सैचुरेशन करंट क्या है जहां से करंट बिकम्स कॉन्स्टेंट दो वी आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है ना सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है सिक्स्थ पॉइंट के हमें पता है होंगे, की energy, करेंगे और फिर वो बाहर निकलेंगे लेकिन गेन करेंगे एनर्जी ऑफ फोटो उस एनर्जी में से एच इन टू न्यू एब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स उसमें से कुछ एनर्जी खुद को बाहर निकालने के लिए यूज करेगा है ना मान के चलते उन्होंने से फॉर एग्जाम्पल दस जूल की एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को मिली तो उन्होंने एक दो जूल की हीट जूल की एनर्जी जो है वो एमिटर प्लेट से बाहर निकलने के लिए यूज की है तो बची कितनी आठ जूल तो वो आठ जूल की एनर्जी जो है इट बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स विल यूज इट फॉर मूविंग फ्रॉम

द इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट पॉइंट द इलेक्ट्रॉन्स हैज डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग रहेगी क्यों कुछ रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज डिफरेंट एनर्जी ऑब्वियसली टोटल एनर्जी है ना हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी रहेगी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में भी इजेक्टेड फ्रॉम वेरिएबल डेफ्थ वेरिएबल डेफ्थ मतलब क्या जैसे है जैसे कि मान के चलते हैं ये एक फोटोसेंसीटिव तो मेटालिक सर्फेस है फोटोसेंसीटिव प्लेट है राइट इसके सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है दो चार इलेक्ट्रॉन है ये मैंने ड्रॉ कर दिया तो इनके ऊपर सबसे पहले एनर्जी मिलेगी इनको पहले सबसे पहले एनर्जी मिलेगी क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है ना तो ये पहले उस एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे निकल जाएंगे फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से डेफ नीचे रहेंगे उनको थोड़ी देर के बाद मिलेंगी एनर्जी तो उसमें से वो बाहर निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे इनके कंपैरिजन में सर्फेस इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में और फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी है ना और कुछ इलेक्ट्रॉन्स और डेफ्थ नीचे है तो ऑब्वियसली ये और ज्यादा एनर्जी एमिटर प्लेट से बाहर निकलने के लिए यूज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी में और चेंज आएगा तो मतलब क्या है कि जितने ज्यादा नीचे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फोटोसेंसिटिव प्लेट में राइट एमिटर प्लेट में उतनी ही ज़्यादा उतनी ही कम उनकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी रहेगी अलग अलग रहेगी वेरिएबल रहेगी उसके साथ साथ तीसरा एक पॉइंट है कोलिजन के वजह से भी इनकी एनर्जी में चेंज आता है तो इलेक्ट्रॉन्स सफर कोलिजन बिफोर एमिटिंग एमिट होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ या स्टेशनरी एटम्स के साथ कोलिजन होगा जिसके वजह से उनके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा सो दीज आर वॉट समीजन वाई अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट इज वॉट इफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम

याल equal to EV0 है, तो photo flow नहीं होगा है ना इफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज लेस इक्वल टूवी जीरो रख दिया कहा इस इक्वेशन में आइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में के मैक्स के जगह पे ईवी जीरो कर दिया तो ईवी जीरो इज इक्वल टू एच इन न्यू माइनस फाइव जीरो एच इन न्यू माइनस फाइव जीरो

लास्ट इज फोटोकरण ये इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन कब जब पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब इफ न्यू इज ग्रेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी फोटोकरण बढ़ते जाएगा इंटेंसिटी बढ़ी फोटोकरण बढ़ा लेकिन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई न्यू इज नॉट न्यू इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे क्यों क्योंकि फोटो वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी ओनली आफ्टर न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद इन इंसिडेंट इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी राइट दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फर एज दिस चैप्टर इज कंसर्न राइट थैंक यू